अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इस टच चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा 40 साइज़ की स्लीव्स किस तरह से काटते हैं, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा स्लिम में कैसे काटा जाता है, नैरो स्लीव्स वो भी बताऊंगा। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस तरह से हम लोगों को ये मैंने बैग काट ली है, कोट की बैग काट ली है। अब हम लोग स्लीव्स यहाँ से निकालेंगे, इस तरह से कपड़े को रख लेंगे। अब आपको सबसे पहले स्क्वायर से कपड़े को सीधा कर लेना है, इस तरह से आपको कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब मेरी दोस्तों स्लीव्स की लेंथ जो है वो है 24, तो 24 है। तो सबसे पहले ये जो आपने निशान लगाया है इससे 1.25 इंच नीचे एक मार्क लगाएंगे। अब हम स्लीव्स की लेंथ यहाँ से नापते हैं, तो 24 पे हमने ये एक मार्क लगा लिया। अब इसका गिराव हम लोग दोस्तों रखेंगे 40 HH, तो लगभग ये छठा हिस्सा होता है, तो 6.5 सूट लगभग आएगा। ये हमने 6.5 सूट लगभग यहाँ से इस निशान से हमने ये इसका गिराव रख लिया। अब नी का निशान, सॉरी दोस्तों कुनी का निशान इस तरह से लेते हैं, यहाँ से इस जो आपने मार्क लगाया है ये मार्क पे 25.25 आ रहा है, तो इसका आधा कर देंगे तो 12.5 सूट लगभग आएगा। इसमें 1 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि मेरे कुनी का निशान हो गया। अब हम इस सारे निशान को इस तरह से खींच लेंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको स्लीव्स काटना बता रहा हूँ, कोट की 40 साइज की। ये दोस्तों हम लोग 2 सूट पे ये मार्क लगाएंगे, ये निशान से 2 सूट पे एक मार्क लगाएंगे, यहाँ से 1.25 इंच पे लगाएंगे, और इसी पॉइंट पे हम लोग मिला देंगे इस तरह से। इस तरह से बिल्कुल हम लोग इसको मिला देंगे। ऐसे ही हम लोग 1.5 इंच, 1 सूट, 1.25 इंच से 1 सूट ज़्यादा पे ये एक मार्क लगा लेंगे सारे। इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। दोस्तों चेस्ट मेरा 40 साइज के मैं आपको स्लीव्स बता रहा हूँ, तो 10 इंच होता है 40 का, इसमें 1/4 इंच कम कर देंगे, यानी चौथाई से 1/4 इंच कम करके 9.25 पे हम लोग ये स्लीव्स का निशान लगा लेंगे। अब 9.25 का आधा कर लेंगे, तो 4.5 सूट ये मेरा बीच का निशान हो गया, सेंटर का दोनों का। आइए दोस्तों ये 9.25 है, यहाँ से हम लोग 1.5 इंच कम कर देंगे, यानी 7.25 हो जाएगा। ये नाप से 1.5 इंच आप कम करके यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए कुनी का। मोरी दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा चल नहीं रही, थोड़ा सा नैरो चल रही है, तो हम लोग 10.5 लगभग मेरी मोरी तैयार आएगी, तो 5.25 इंच हम लोग ये मोरी रखते हैं, 10.5 इंच मेरी मोरी तैयार आएगी। इस तरह से शेप दे देंगे, शेप देते वक्त एकाध सूत इधर उधर निशान हो सकता है, लेकिन शेप खराब नहीं होना चाहिए। इस तरह से यहाँ से दोस्तों 1/2 इंच ऊपर एक मार्क लगा लेंगे, ये स्क्वायर से इसको इस तरह से मिला लेंगे। अब ये जो आपने ये दोनों का सेंटर लिया था, इसको भी स्क्वायर से बिल्कुल इस निशान से मिला के एक निशान ये ले लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग ये पॉइंट से 1/4 इंच एक निशान लगा लेंगे, इसको इस तरह से ये पॉइंट को उस पॉइंट पे ऐसे मिला लेंगे। अब ये पॉइंट से इसको मिला देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों स्लीव्स काटने का। दोस्तों अब यहाँ से 1/4 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, अब 3 की इस तरह से गोली की गुलाई दे देंगे, ये इसको इस तरह से ये मेरी 3 हो गई है। ये देखिए दोस्तों 10 इंच इस तरह से अगर नापेंगे तो 10 इंच पूरा चौथाई आता है, लेंथ मेरी हो गई। यहाँ से हम लोग लेंथ नापेंगे 24, ठीक है। अब इसकी दोस्तों हम लोग कटिंग कर लेंगे इस तरह से, थोड़ा बहुत आप शेप ठीक कर सकते हैं कैंची चलाते वक्त। तरह से हम लोग इसकी दोस्तों
तो वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कम से कम आप लोग वीडियो को लाइक ही कर दिया करिए और कोशिश किया करिए वीडियो पूरी देखें, जिससे मैं आपको जो मेन मेन पॉइंट समझाता हूँ वो आपको ठीक से समझ में आए। दोस्तों ये मेरी गोला हो गया स्क्रीन का, हम लोग ताल काट लेंगे, करना कुछ नहीं है, बस कपड़े को इस तरह से कर लेना है, उसके बाद ये स्क्रीन को गोले को इस तरह से बिछा लेना है बिल्कुल तार पे। अब सारे निशान को आप लोगों को बैलेंस के निशान को इस तरह से ले लेना है, ये बैलेंस के निशान को ले लेना है और ये निशान लगा देना है, इसको ले लेना है, ये लगा देना है, ऐसे ही यहाँ पे भी। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग दो सूत पे एक मार्क लगा लेंगे ये निशान से, यहाँ पे हाफ इंच पे लगा लेंगे और यहाँ पे ये निशान से पौन इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। उसके बाद इसको इस तरह से उठा के उसी निशान के नीचे मार्क लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये इसको इस तरह से कर लेंगे, ये निशान आपको दिखने लगेगा, तो उसके भी बैलेंस के निशान को ले लेंगे सारे। अब एक निशान ये भी लगा लेंगे इस तरह से, ये देखिए दोस्तों। अब हम लोग स्केल से सारे इसको भी पक्का कर लेंगे और इसको भी, इसको इस तरह से कर लेंगे, शेप ठीक दिखना चाहिए दोस्तों। और ये जो आपने हल्का हल्का निशान लगाया था इसको भी पक्का कर लेंगे इस तरह से। अब ये गुलाई दे देंगे, ये गुलाई बिल्कुल गोले के जो सेंटर था उसके बीच से होके ये गुलाई जाती है ये इस तरह से दोस्तों। ये अगर इसको ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल इसके बीच से होके ये गुलाई जाएगी, इसका शेप का ये हिसाब होता है। अब इसकी भी हम लोग दोस्तों कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दबाव रखेंगे, सारे दबाव को हम लोग ट्रायल के बाद निकाल देते हैं। यहाँ पे भी आपको जितना दबाव देना हो आप दे सकते हैं। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये मेरी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है, 40 साइज स्लीव्स की कटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी जो मैं नई नई वीडियो लाता हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में शो होती है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।